अगस्त का महीना शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो जाता है। इसी मुनासबत से लाहौर में JKL आज़ादी कप टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर से बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर खूब जौहर दिखाए। देखते हैं चौधरी अशरफ की रिपोर्ट। जापान कराटे एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम होने वाले जश्न आज़ादी कराटे मुकाबलों में मुल्क भर से बड़ी तादाद में टीमों ने हिस्सा लिया और खूब अपने फन के जौहर दिखाए। मुंतजमीन का कहना था कि आज़ादी कप टूर्नामेंट कराटे का मकसद बच्चों को यह बताना था कि हम आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। इसके साथ साथ बच्चियों में भी एम्पावरमेंट मुतारिफ करवाना था। यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ दोनों में ही जो है वो माशाल्लाह से इतना टैलेंट है कि हमें नजर आ रहा है कि आगे मार्शल आर्ट का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। आज के वाले से स्पेशली बच्चियों के लिए हमने एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, जिसमें पूरे पंजाब इवन इस्लामाबाद से भी बच्चे आए हैं और उन्होंने परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुकाबले में शरीक नौजवान कराटे खिलाड़ियों का कहना था कि इवेंट में शिरकत करके उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। काफी सीखने को मिला क्योंकि हमारे रूल्स थोड़े से चेंज है, तो डिफरेंट टीमों के साथ खेल के हमें दूसरा का एक्सपीरियंस का पता चलता है। जैसे यहाँ पे फेस पे पॉइंट नहीं होता, हम फेस पे पॉइंट लेते हैं, पर काफी कुछ सीखने को मिला। हमारा माशाल्लाह मुकाबला बहुत अच्छा हुआ है, इधर पूरे पंजाब से लोग आए हैं। आज़ादी कप कराटे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने अच्छी से अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की, जिससे खिलाड़ियों समेत ऑफिशियल्स मुतमईन दिखाई दिए। चौधरी अशरफ, PNN लाहौर।